हल्द्वानी शहर के फिजा में इन दोनों गुलमोहर के फूलों की बहार है। शहर में जगह जगह गुलमोहर के फूल खिल चुके हैं। खास बात यह है कि हल्द्वानी शहर के बीचों बीच नैनीताल रोड पर गुलमोहर के सबसे अधिक पेड़ हैं, जो सड़क के दोनों ओर खिले हुए हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यही नहीं, गर्मी के मौसम में गुलमोहर के पेड़ और उसके फूल लोगों को ठंड के साथ साथ हवा में महक की खुशबू भी दे रहे हैं। शहर में जगह जगह समाज सेवी संस्थाओं और वन विभाग के सहयोग से गुलमोहर के पेड़ लगाए गए हैं, जो इन दोनों खिले हुए हैं और नैनीताल रोड पर पर्यटकों के साथ साथ लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। MBPG कॉलेज के प्रोफेसर प्रेम प्रकाश का कहना है कि गुलमोहर लोगों को छाप देने के साथ ही खूबसूरत दिखता है, जो औषधीय गुणों से पूर्ण है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।